अगला पार्ट, छठा पार्ट करते हैं, ठीक है। कंधे के ऊपर कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी? 7। फिसलने वाली संधि पाई जाती है कहाँ? पाई जाती है कलाई में, पाई जाती है कार्पल्स व प्रथम मेटाकार्पल्स के बीच में जोड़ को कहते हैं, क्या कहते हैं? सेडल जॉइंट्स। क्या कहते हैं? सेडल जॉइंट्स। शरीर में सर्वाधिक मजबूत प्रबल अस्थि होती है कौन सी होती है? सर्वाधिक मजबूत और प्रबल अस्थि जबड़े की होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है कौन सी है? सबसे लंबी हड्डी द फीमर। कौन सी? फीमर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है कौन सी है? स्टेपीस। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? कौन सी नहीं है पैर की हड्डी? बै हुमरस। कौन सी नहीं है? हुमरस नहीं है। हुमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती है? क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी के कारण कमज़ोर हो जाती है। आगे चलते हैं। मानव के घुटने में कौन सा द्रव्य भरा होता है? कौन सा द्रव्य भरा होता है? साइनोवियल्स द्रव्य भरा होता है। अस्थियों में पानी की पानी की कमी मात्रा होती है कितनी होती है? 20 से 30। अग्रपाद में कुल अस्थियों की संख्या होती है कितनी होती है? 64 होती है। मानव के पश्चपाद में अस्थियों की कुल संख्या होती है कितनी होती है? 62। कितनी होती है? 62। मानव में चेहरे में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 14। शरीर में टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल अस्थि कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? कपाल में। मानव शरीर में ब्यूटीन बोन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? क्लेविकल को कहा जाता है। किसे? क्लेविकल को कहा जाता है। मानव में प्रत्येक पाद में कुल कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं? कितनी है? 30। शरीर के एक भाग की अस्थि जो अन्य किसी अस्थि से जुड़ी नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है? बी हाइओइड। क्या कहा जाता है? हाइओइड। आगे चलते हैं। कुंदक खलीका बाल एवं सॉकेट जॉइंट किसमें पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? कंधे और कुल्ले में पाई जाती है। कीलदार संधि कहाँ होती है? कहाँ होती है? कशेरुके नुकोली जिस पर खोपड़ी घुसी घूमती है उसे कील संधि कहा जाता है। कहते कील संधि कहा जाता है। पर्याय संधि का उदाहरण है कौन सा है? पर्याय संधि का उदाहरण है कार्पल्स एवं प्रथम मेटाकार्पस। कशेरुकु दंड की अंतिम कशेरुका कहते हैं। किसे कहते हैं? कोक्सिसस। कोक्सिसस को। मानव कंकाल की सबसे लंबी अस्थि है कौन सी है? फीमर है। सवर संधि की सबसे बड़ी उपास्थि है कौन सी है? थायराइड्स। कौन सी? थायराइड। इसके पुल हड्डी किसमें होती है? किसमें होती है? से अंश में, एकला में। मानव कपाल में कुल कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं? कितनी पाई जाती हैं? 8। कितनी? 8। स्टेपस अस्थि पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? स्टेपस करण में। कशेरुकु दंड में कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? कितनी अस्थियों मिलकर होता है? 26। वक्ष स्थल पर 3 अस्थियों से मिलकर बनी रचना होती है कौन सी होती है? स्टर्नम। कौन सी होती है? स्टर्नम। वक्ष स्थल पर आभासी पसलियाँ मिथ्या होती है, झूठी होती है। मिथ्या झूठी होती है कौन?
आठ नौ दस, निम्नलिखित में से ऊपरी जबड़े की अस्थि है। कौन सी ऊपरी जबड़े की अस्थि, कौन सी है? ए मैक्सी लीला, मैक्सी ला, मैक्सिला है, सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में निचले जबड़े की अस्थि कौन सी है? निचले जबड़े की अस्थि ए, कौन से? मेडी मेंडिबल। वास्तविक पसलियां होती हैं, कौन सी होती हैं वास्तविक पसलियां? एक से सात तक, अंगूठे से कोनी के जोड़ तक अस्थि है, कौन सी है अस्थि? ए रेडियस, कौन सी होती है? रेडियस। कशेरुकों के बीच कौन सी संधि पाई जाती है, कौन सी संधि पाई जाती है कशेरुकों के बीच? से अर्ध स्थल, अर्ध स्थल अस्थि पाई जाती है। अंशमेखला संबंधित है किससे, अंशमेखला अग्रपाद से, किससे? अग्रपाद से, किससे? अग्रपाद से। आगे चलते हैं, कुन्नी का जोड़ किस संधि का उदाहरण है, किसके? कोर संधि का। अंगुलियों के जोड़ किस संधि का उदाहरण है, किस संधि का उदाहरण? अंगुलियों का जोड़ किस संधि का उदाहरण है? ए कोर का है, किसका? कोर का। सहसर्पी संधि का उदाहरण है कौन सा? थे कलाई का जोड़। कंकाल पेशियां, कंकाल पेशियां शरीर का कितना प्रतिशत भाग बनाती है, बाहर बनाती है कितना परसेंट बाहर बनाती है? से 60% बाहर बनाती है। शरीर में सबसे शक्तिशाली पेशी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? जबड़ों में पाई जाती है, किसमें? जबड़ों में। आगे चलते हैं, पेशीय संकुचन में ऊर्जा, पेशीय संकुचन में ऊर्जा स्रोत है कौन सा है? पेशीय ऊर्जा स्रोत एक्टोमायोसिन है। अरेखीय पेशियां पाई जाती है किसमें? धमनी और शिरा में पाई जाती है, किसमें? धमनी और शिरा में अरेखीय पेशियां पाई जाती है। आगे चलते हैं, रुक रुक कर होने वाली पेशीय संकुचन को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए टेटिनी, क्या कहते हैं? टेटिनी। मूत्राशय की, मूत्राशय की पेशियां होती है, इसमें होती है मूत्राशय की पेशियां? ए एरिक पेशियां होती है, ठीक है। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशीय समन्वय को नियंत्रित करता है, पेशीय समन्वय को नियंत्रित करता है? कौन से? अनुमस्तिष्क या सेरिबलम, अनुमस्तिष्क या सेरिबलम करता है। आगे चलते हैं, पेशीय तंतु, पेशीय तंतु की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है कौन सी है? सार्कोमियर है, कौन सी? सार्कोमियर। पेशीय संकुचन को मापने वाला यंत्र कौन सा है? ए काइमोग्राफ। अधिकांश पेशियों का निर्माण, पेशियों का निर्माण होता है कहाँ होता है? मीसोडर्म में। लंबे समय तक व्यायाम करने से ऐच्छिक पेशियां थक जाती हैं क्योंकि इनमें जमा होता है, क्या जमा होता है इनमें? बी लैक्टिक अम्ल जमा होता है। पादों में पाई जाने वाली पेशियां होती है, उनसे पादों में पाई जाने वाली पेशियां बी ऐच्छिक और दूसरी कंकालीय। पेशियों का लाल रंग निवेश किस कारण होता है, किस कारण होता है लाल रंग, किस कारण होता है पेशियों का लाल रंग, किस कारण होता है? आगे चलते हैं, पेशीय तंतु, क्या कह रहे हैं? पेशीय तंतु की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है, कौन सी होती है? से सार्कोमियर। पेशीय संकुचन को मापने वाला यंत्र कौन सा है, कौन सा है? काइमोग्राफ। अधिकांश पेशियों का निर्माण होता है कहाँ होता है? मीसोडर्म में। लंबे समय तक व्यायाम करने से ऐच्छिक पेशियां थक जाती हैं क्योंकि इनमें जमा होता है, क्या जमा होता है? बी लैक्टिक अम्ल। पादमों में पाई जाने वाली पेशियां होती हैं, क्या होती हैं पादम पाई जाने वाली? ए और बी ऐच्छिक और कंकालीय। पेशियों का लाल रंग निमिष किस कारण होता है, किस कारण होता है? मायोग्लोबिन के कारण होता है। पेशियों में
जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे नापा जाता है। क्या जान बना जाता है? थर्मोसोल से। मनुष्य की सबसे छोटी मांसपेशियां हैं कहाँ होती है? स्टेपीड्स, स्टेपीड्स में होते हैं। किसी प्रतिरोध के विरुद्ध जब पेशी के दोनों सिरे पास पास आ जाते हैं तो यह तनाव या संकुचन कहलाता है। क्या कहलाता है? ए कंसेंट्रिक, कहते हैं कंसेंट्रिक कहलाता है। मनुष्य में शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती हैं? कितनी पेशियां पाई जाती हैं? 639 पेशियां पाई जाती हैं। आगे चलते हैं। शरीर के किस हिस्से में सबसे ज़्यादा मांसपेशियाँ पाई जाती हैं? किस हिस्से में पाई जाती हैं? पीठ में पाई जाती हैं। पेशी तंतुओं में संकुचित भोजन किस रूप में पाया जाता है? किस रूप में पाया जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में। कलाई के जोड़ में रेडियस तथा कार्पल्स के बीच कौन सी संधि पाई जाती है? कौन सी संधि पाई जाती है? कांडली लाइट संधि पाई जाती है। निम्नलिखित में से को सम्मिलित कीजिए, सम्मिलित करो, निम्नलिखित को सम्मिलित करो। ठीक है, आगे भी करते हैं। ऐच्छिक पेशियाँ कौन सी होती हैं? बेलनाकार, एक से अधिक केंद्र तथा तंत्रिकाओं पर निर्भर। ठीक है, अनैच्छिक पेशियाँ कौन सी होती हैं? तर्कुरूपी तथा एक केंद्रीय तथा तंत्रिकाओं से मुक्त। हृदय पेशी कौन सी होती हैं? आयताकार, एक केंद्रीय तंत्रिकाओं से मुक्त। निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए, सम्मिलित कीजिए। ए कौन सा होगा? ए इसको देखेंगे, ए ए। मंद स्पूर्ण रेशे ऑक्सीजन क्रियाओं में लाल रंग तथा संकोचन में अधिक समय लेते हैं। ठीक है, दूसरे में क्या आएगा? तीव्र स्पूर्ण रेशे अनोक्षी क्रियाओं में सफ़ेद तथा संकोचन तेजी से होती है। जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते जंतु कोशिकाओं में? कोशिका भित्ति। कोशिकाओं के केंद्र में प्रोटीन कितने प्रतिशत होता है? कितने परसेंट होता है? 85%। कोशिकाओं में ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य होता है? क्या कार्य होता है? से खाद्य पदार्थों का संचयन होता है, खाद्य पदार्थों का संचयन होता है। ठीक है, कोशिकाओं में ऊर्जा का स्रोत होता है। कौन सा होता है ऊर्जा का? ATP। कोशिका विभाजन के समय दो ध्रुवों का निर्माण करता है। कौन करता है दो ध्रुवों का निर्माण? सेंट्रोसोम। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्वास ने और रॉबर्ट स्वास तथा सलिडन ने दिया था। कोशिका जीवित पदार्थ किसे कहते हैं? कोशिका जीवित पदार्थ बी किसको कहा जाता है? जीव द्रव्य को कहा जाता है। आगे जाते हैं। सबसे अधिक लौह तत्व की मात्रा पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? लौह तत्व की मात्रा भी लाल रक्त कणिकाओं में। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह खत्म किसका है? एक सेकंड रुक दे, कौन सा है? J.S. हेक्सले। रुधिर के स्कंद के लिए आवश्यक तत्व तो कौन सा है? Ca+। कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली होती है, किसमें होती है? चयात्मक पारगम्यते। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है कोशिका झिल्ली? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। सेल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किसने कहा था? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहा जाता है। केंद्रिका का निर्माण होता है कहाँ होता है? केंद्रिका का निर्माण गुणसूत्र द्वारा होता है। अंतःप्रतिजालिका का निर्माण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है अंतःप्रतिजालिका का निर्माण? ए प्लाज्मा झिल्ली द्वारा। दानेदार अंतःप्रतिजालिका का कार्य कौन करता है? प्रोटीन संश्लेषण करता है। आगे चलते हैं। केंद्र का मुख्य कार्य कौन करता है? उपापचय करता है। कौन सा? उपापचय नहीं करता है, जनन करता है। कौन सा? जनन करता है। राइबोसोम्स का निर्माण करता है? केंद्रिका करता है। केंद्रिका। माइटोकॉन्ड्रिया का पीला रंग किसकी उपस्थित है? राइबोफ्लेविन के कारण होता है। आगे चलते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया का पीला रंग किसके कारण होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का पीला रंग जेंथोपिल के कारण होता है। किसके कारण? जेंथोपिल के कारण। किस कोशिका में अपघटनीय एंजाइम होते हैं? लाइसोसोम के कारण। ऑक्सीअश्वसन क्रेब्स चक्र का संबंध किससे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से। किससे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया किन कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? किसमें? मनुष्य की आर बी सी में पाया जाता है। राइबोसोम निम्न अंगों पर होता है, किसमें होता है राइबोसोम? द अंतःप्रद्ध जालिका में। क्रिस्टीव तथा मेट्रिस किस कोशिकाओं की रचना होती है? किसी माइटोकॉन्ड्रिया की। कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है, कौन सा होता है? बी राइबोसोम होता है। कौन सा? राइबोसोम होता है। आगे चलते हैं। किस कोशिकाओं को पेलीडक्कन कहा जाता है? किस कोशिकाओं को कहा जाता है? ए किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। मानव शरीर की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है? कोशिकाओं को कहा जाता है। क्या? कोशिकाओं को कहा जाता है। श्रावण से संबंधित कोशिकांग है कौन सा है? गोल्जी का है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसमें होता है प्रोटीन का संश्लेषण? राइबोसोम में होता है, ठीक है, राइबोसोम में होता है। कोशिका का श्वसन केंद्र है कौन है? कोशिका श्वसन केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया है। कोशिका पावर हाउस किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। वे पोषक पदार्थ जो उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं वो कहते हैं, किसे कहते हैं? विटामिन को कहते हैं। वे पोषक पदार्थ जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाने हेतु उत्तरदायित्व कहते हैं, किसे कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल को। मोनोसेकेराइड, हाईसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? पॉलीसेकेराइड किसे कहते हैं? सी कार्बोहाइड्रेट्स को किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमुख स्रोत किसे कहते हैं? किसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत? गेहूँ चावल बाजरा को आ जाता है, किसको? गेहूँ चावल बाजरा। प्रोटीन किससे बनी होती है? किससे बनती है प्रोटीन? अमीनो अम्ल से। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी विटामिन कौन सा है? कौन सा विटामिन के है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? बी ओ सी। रुधि क्या है? रुधिर के थक्का जमाने में खनिज मुख्य भूमिका निभाता है, कौन निभाता है मुख्य भूमिका? कैल्शियम। 1 ग्राम वसा से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? कितने ग्राम? 9.1 कैलोरी मिलती है। रोग प्रतिरोध विटामिन किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? विटामिन सी को कहते हैं। 1 ग्राम से कितनी ऊर्जा मिलती है? 1 ग्राम से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है कौन सा है? सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है कौन सा है? सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट ए ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में उपस्थित रहता है? किसमें? बी स्टार्च के रूप में। हमारे शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? कितने प्रकार? 20। कितने अमीनो अम्ल के शरीर के अति आवश्यक होते हैं? कितने? 8 से 10। विटामिन बी कितने प्रकार का होता है? विटामिन बी कितने प्रकार का होता है? 7 से 8 प्रकार का होता है। विटामिन सी का निर्माण होता है किसमें होता है? विटामिन सी का निर्माण होता है किसमें होता है? द कार्बोहाइड्रेट। बच्चों में क्वाशियोरकर रोग, मरा इस्मान रोग किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से होता है? प्रोटीन कमी से। किस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं? किसमें? मरा स्मस में। वसा में घुलनशील विटामिन होता है कौन सा होता है? वसा में ए डी ई के होता है विटामिन। किन विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? किन विटामिन का हमारे शरीर में होता है? सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है कौन सा है? सबसे सरल ए ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में उपस्थित रहते हैं? किस रूप में उपस्थित रहते हैं? स्टार्च के रूप में। हमारे शरीर में कुल कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? कितने? 20 पाए जाते हैं। कितने? 20।
कितने अमीनो अम्ल शरीर के अति आवश्यक होते हैं? कितने होते हैं? 8 से 10। विटामिन बी कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 7 से 8। एक क्वेश्चन कर लिया मेरे हिसाब से, फिर भी कर लेते हैं, आगे चलते हैं। विटामिन सी का निर्माण होता है किसमें होता है? विटामिन सी का निर्माण कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट्स में। बच्चों में क्वाशियों को रोग, मरास्कर रोग किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। किस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं तथा क्वाशियों का मरास्कर होता है? ये कर लिया। किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? किस विटामिन का संश्लेषण कौन सा है? डी और के। शरीर के किस भाग, शरीर किस भाग में विटामिन के कारण जीवाणुओं का द्वारा संश्लेषण अवशोषण होता है? किस विटामिन के द्वारा? बड़ी आंत के द्वारा। शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? फ्रक्टोज। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है किसमें होता है? शुगर में। शरीर में उत्कों का निर्माण किससे होता है? किससे होता है? प्रोटीन से होता है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? क्या है एंजाइम मूल रूप से? बी प्रोटीन। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? चावल में। प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत कौन सा होता है? डी सोयाबीन। मानव शरीर में विटामिन ए सचित रहता है किसमें होता है? ए यकृत में होता है। जिस विटामिन को कार्बोहाइड्रेट होता है वह है कौन सा है? विटामिन B12 में। कौन से? B12 में। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? विटामिन सी कहा जाता है, विटामिन सी। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? क्या नाम है? टोकोफेरोल। कौन सा था? टोकोफेरोल होता है, टोकोफेरोल। निम्न में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होता है? किस विटामिन का? फ्लोरीन का। किसमें भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? हरी सब्जियों में पाया जाता है, हरी सब्जियों में। हमारे शरीर में जल की मात्रा होती है कितनी होती है? 70% होती है। कौन से तत्व अस्थियों में पाए जाते हैं? कौन से तत्व पाए जाते हैं? C, A व P। कौन से विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? विटामिन बी को। भोजन के कौन से पोषक तत्व शरीर की वृद्धि तथा मरम्मत से संबंधित होते हैं? कौन से होते हैं? प्रोटीन होता है। कौन से? प्रोटीन। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। शरीर संगठन में वसा की मात्रा होती है, संगठन वसा की मात्रा होती है क्या होती है? 15% होती है। कितनी? 15%। शरीर में गठन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, गठन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है इससे 1% होती है, 1%। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में पाया जाता है? कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए। कौन सा? विटामिन सी पाया जाता है। थायमिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? सूखा रोग होता है। कौन सा? सूखा रोग। आगे चलते हैं। स्कर्वी अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? ए। कौन सा होता है? सूखा रोग ही होता है। विटामिन ए की कमी से सबसे अधिक मात्रा में फल में मिलते हैं, कौन सा मिलता है? सेब मिलता है। कौन सा? सेब मिलता है। गर्मी भोजन निगलने तथा श्वसन के लिए कौन सा समय पथ होता है? कौन सा होता है? घर्षणी फेरेसिंग होता है। फेफड़ों का आवरण कहलाता है, क्या कहलाता है? फेफड़ों का आवरण, पल्यूरल झिल्ली। मनुष्य के ट्रेकिया श्वसन नली में छल्ले होते हैं, कितने होते हैं? छल्ले होते हैं 16 से 20 छल्ले होते हैं। निम्नलिखित से किसे सौरपेटी तथा पोमा कहा जाता है? किसे कहा जाता है? घाटी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? घाटी को नहीं, कंठ को कहा जाता है। निम्नलिखित से कौन सा फेफड़ों का आकार में बड़ा होता है? कौन सा होता है? दाया फेफड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। श्वसन क्रिया में O2 का परिवहन कौन करता है? कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। कौन? हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन श्वसन के अंत में क्या बनता है? क्या बनता है? बी पारूविक अम्ल। फेफड़ों में सूक्ष्म इकाई होती है। फेफड़ों में सूक्ष्म इकाई होती है। कौन सी थी सूक्ष्म इकाई? कूप इकाई होती है। श्वसन तंत्र नली फेफड़ों व निम्न में से मिलकर बना होता है, क्या बना होता है? डायफ्राम।
डायफ्राम छाती के बीचों बीच पाया जाता है। श्वसन तंत्र में वायु प्रदेश का क्रमशः किस प्रकार का होता है? नालिका वायु श्वसन तंत्र नलिक श्वसन नली फेफड़ों ठीक है आगे होते हैं। ग्लूकोज के अणु के पूर्णतः ऑक्सीजन से बनने वाली एटीपी अणुओं की संख्या कितनी होती है? 38। ऑक्सीश्वसन से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। गहरी सांस लेकर सीने में अतिरिक्त हवा भर जाने को क्या कहते हैं? आई आर वी ठीक है। हमारे द्वारा प्रत्येक बार सांस का निकालने व ग्रहण करने की क्रिया को कहते हैं टाइड वायु कहते हैं। गहरी सांस छोड़ने पर फेफड़ों में वायु रह जाती है, इस वायु को क्या कहा जाता है? अवशिष्ट वायु कहा जाता है। श्वसन नली की लंबाई कितनी होती है? श्वसन नली की लंबाई 12 सेमी होती है। आगे चलते हैं। बाएं फेफड़ों में कितने भाग होते हैं? बाएं फेफड़े में दो भाग होते हैं। एक बार श्वास लेने की प्रक्रिया कितने समय में पूरी होती है? 5 सेकंड में होती है। मनुष्य के हृदय फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप यंत्र का प्रयोग। कोशिका के भीतर O2 की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों के ऑक्सीजन से ऊर्जा निकलती है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उपयुक्त सभी आंतरिक श्वसन, कोशिकीय श्वसन और ऊतक श्वसन। ये हमारे साइंस का कौन सा पार्ट? 6वां पार्ट कंप्लीट हो गया है, 2 पार्ट और बनेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों। अभी खाना खाते हैं, अभी रेस्ट का टाइम हो गया।